आपका स्वागत है मेरे यूनिक किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के ढोकले इन गुजराती स्टाइल। सभी को पता है दोस्तों, ढोकले गुजरात की फेमस डिश है। तो आइए मैं आपको बताने जा रही हूँ ढोकले बनाने में हमें किन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी बेसन, आधा कटोरी सूजी, एक टेबल स्पून सैट्रिक एसिड। अगर आपके पास सैट्रिक एसिड ना हो तो आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। रिफाइंड तेल, नमक स्वाद अनुसार, 4 से 5 टीस्पून चीनी, हरी चटनी। इस चटनी को बनाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे मिर्ची, धनिया, लहसुन, थोड़ा सा अदरक और धनिया पत्ती। इसको मैंने सबको मिक्स करके ग्राइंड कर लिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 से 2 पैकेट इनो पाउडर। हम ढोकला बनाने के लिए स्टीमर का इस्तेमाल करेंगे। आइए हम इस स्टीमर को स्टीम करने के लिए गैस पे चढ़ा देते हैं। हमने स्टीमर में 1 से 2 कप पानी डाला है। आप देख रहे हैं स्टीमर में इतना पानी होना चाहिए। इसको मीडियम फ्लेम में करेंगे और स्टीमर का ढक्कन बंद करके पानी को उबलने देंगे। तो देखा दोस्तों, हमने अपने स्टीमर में पानी स्टीम होने के लिए रख दिया है। हम पानी को एक उबाल आने तक गर्म करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं ढोकला के बैटर बनाने की विधि। हमारे पास एक बोल है, अब इसमें हम अपनी सारी एक एक करके सामग्रियां डालेंगे। सबसे पहले मैं अपना बेसन डालूंगी 1 कटोरी, फिर हम डालेंगे 1/2 कटोरी सूजी, 1 टेबल स्पून सैट्रिक एसिड डालेंगे हम, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे हम, 4 से 5 टीस्पून हम चीनी डालेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे। अब हम इसमें मोयर के लिए तेल डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून। अब हम पानी की सहायता से इसका घोल बना लेंगे। पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, इसको इस तरह से मिला लीजिए। इसमें और पानी की आवश्यकता है, मैंने और पानी डाल दिया। हमें इस प्रकार से घोल बनाना है ताकि इसमें एक भी गठान ना रहे। ऐसे हमें धीरे धीरे इसे चलाते रहना है और सारे जो इसमें गिठलियां दिख रही हैं वो नहीं दिखनी चाहिए। देखा दोस्तों, इसमें अब एक भी गिठलियां नहीं है। अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर दिया है, लेकिन अभी भी ये बैटर गाढ़ा है। हम इसे पतला करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इस तरह हाथों से चलाते रहेंगे। अब हमारा बैटर एकदम तैयार है। ना ही ये ज्यादा गाढ़ा है, ना ही ये ज्यादा पतला है। हमने मीडियम बैटर बनाया है। हमारा स्टीमर भी रेडी है। देखिए पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम अपना गैस को स्क्रीन कर लेंगे। ढोकला ट्रे लिया है, आइए हम इसमें तेल डाल के इसे ग्रीस कर लेते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसे स्ट्रे पे अच्छी तरह फैला लें। चम्मच की सहायता से इसे चारों ओर फैला लेते हैं ताकि हमारा बैटर इस पर ज़्यादा चिपके। देखिए इसे इस तरह ग्रीस करना है, किनारों में अच्छी तरह से ग्रीस करें। हमारा बैटर अब इनो डालने के लिए एकदम रेडी है। इनो को एकदम लास्ट में डालेंगे, नहीं अगर आप इनो को पहले डाल देंगे तो आपका ढोकला अच्छे से फूलेगा नहीं। अब मैं इसमें इनो डालती हूँ।
धीरे धीरे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इनो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आइए हम अब इस बैटर को अपने ट्रे में डालें। ट्रे को इस प्रकार हिलाना है। चलिए अब हम इसको स्टीमर में डाल देते हैं। स्टीमर का गर्म होता है इसलिए हम अपने हाथों को बचा के डालें कुछ इस प्रकार। अब हम दूसरा ट्रे डालेंगे कुछ इस प्रकार। मैंने इसे अच्छी तरह से ढक दिया है। अब आइए गैस को हम मीडियम फ्लेम पे चालू करते हैं। 15 से 20 मिनट में हमारे ढोकले अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगे। जब तक हमारा ढोकला पककर तैयार हो रहा है इसके लिए हम एक अच्छी सी खट्टी मीठी इमली की चटनी बना लेते हैं। आइए दोस्तों हम आपको इमली की चटनी कैसे बनाते हैं इसकी विधि बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए इमली। इसे मैंने भिगा के आधे घंटे के लिए रख लिया है। मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली है, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, राई, करी पत्ते। चीनी का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इमली का खट्टा मीठा चटनी बना रहे हैं। तेल और लाल मिर्च पाउडर। प्रिय दोस्तों अब हम बनाते हैं अपनी इमली की खट्टी मीठी चटनी। चटनी बनाने के लिए एक मैंने सॉस पैन का इस्तेमाल किया है। इसे मैंने स्लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऑयल डालेंगे। गर्म हो गया है, अब आइए हम इसमें डालते हैं तेल। मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिए हैं। तेल हमारा गर्म हो रहा है। मैं इसमें 1 टीस्पून राई के दाने डालूंगी। देखिए हमारा राई के दाने तो चमक रहा है। अब मैं इसमें 3 से 4 करी पत्ते डालूंगी और इसी हरी मिर्च डालूंगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब हम इसमें डालेंगे अपना मिर्ची पाउडर डाला है, तदनुसार नमक डालेंगे। अब मैं इसको अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर करके चलाती रहूंगी जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। हमें इसे पकाना है। मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसे हम थोड़ी गाढ़ी होने तक उबाल लेंगे। देखिए इसमें बालाना शुरू होता है। हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डालते हैं। थोड़े से मैंने धनिया डाल दिए हैं। अब हम अपना गैस बंद कर देते हैं। हमारी इमली की खट्टी मीठी बनकर रेडी हो गई है। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। आइए अब हम अपने ढोकले को चेक करते हैं। ये गर्म है इसलिए हम कपड़े की सहायता से एकदम सावधानी से इसे खोलें। देखिए हमारा ढोकला कितना अच्छे से फूल गया है। अब हम चाकू की सहायता से इसे चेक कर लेंगे पकाया कि नहीं। हमारा ढोकला एकदम अच्छी तरह से पक गया है। देखिए हमारा ढोकला अच्छी तरह से पक गया है और बैग भी चिपका नहीं है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अपने ढोकला ट्रे को सावधानी से निकाल लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए 5 मिनट रख देते हैं। जब तक ये ठंडा हो जाता है आइए हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता होगी। 1 से 2 टीस्पून राई, करी लीव्स, तेल, 4 से 5 लंबी हरी कटी मिर्च, गार्निश के लिए बारीक कटी हुई हरी धनिया। तड़का तैयार करने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है। अब हम इसे धीमी आंच में गर्म होने के लिए रख देते हैं। इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाले हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है। चलिए अब मैं इसमें डालती हूँ 1 से 2 चम्मच राई, करी लीव्स, हरी मिर्च। अब हम इसे अच्छी तरह
अच्छी तरह से तला जाएंगी, तब हम गैस बंद कर देंगे। अब ये ठंडा हो गया है, आइए हम इसे दूसरे प्लेट पर पलट लेते हैं। फ्लफी बन के आया है, हमारा तड़का बन के रेडी हो गया। अब हम गैस बंद कर देते हैं। चम्मच की सहायता से हम तड़के को अच्छी तरह से फैला लेंगे कुछ इस प्रकार। ऊपर से गार्निश के लिए धनिया पत्ती का इस्तेमाल करेंगे, बारीक कटी हुई। मैंने गार्निश के लिए नारियल भी लिया है, अगर आपके पास नारियल है तो आप नारियल का इस्तेमाल कर सकती हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड कर सकती हैं। मैं अब इसमें नारियल का इस्तेमाल करूंगी। देखिए, एक किसनी की सहायता से देखिए नारियल डालने के बाद हमारे ढोकले का रंग और खिल गया है, ये और भी खूबसूरत लग रहा है। जितना ये देखने में खूबसूरत है उतना ही ये खाने में स्वादिष्ट है। चाकू की सहायता से अपने ढोकले को मनचाहा आकार में काट लेते हैं। देखिए मैंने इस प्रकार चाकू की सहायता से हमें काटना है, कोई सा भी आकार दे सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। And so has reached critical level.